शिक्षक महासंघ की हुई अहम बैठक। इस बैठक में लिए गए अहम निर्णय, अंतर वेतन, घुसखोरी और अन्य ज्वलंत मुद्दों के खिलाफ रणनीति तैयार, जल्द करेगा आंदोलन प्रदर्शनकारी शिक्षक महासंघ। चौपाल स्मार्ट टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस टीवी के माध्यम से आप सभी को सच्ची और अच्छी खबर दिखाने का प्रयत्न करता हूं। आप सभी को इस वीडियो को लाइक करने और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ इस चैनल को सुनाने पर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब खबरें विस्तार से। 28 नवंबर 2018 को प्रदर्शनकारी शिक्षक महासंघ के द्वारा एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश के नेताओं के साथ साथ मुजफ्फरपुर जिला के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। इस बैठक में प्रदेश संयोजक प्रणय कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव समीर, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी मुकेश गुप्ता, साहित्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह, तिरहुत प्रमंडलीय अध्यक्ष जमशेद हुसैन, मुजफ्फरपुर जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार, जिला कोषाध्यक्ष पंकज कुमार, संगठन प्रभारी कांटी के अध्यक्ष वकील सहनी, अब्दुल कादिर, हामिद असगर, अब्दुल कुदूस, नीरज कुमार, समीर अहमद बबलू, प्रभात गुप्ता, सुमन कुमार मिश्र, गणेश कुमार चौधरी, चंद्रभूषण व अन्य शिक्षक मौजूद थे। सभी शिक्षकों ने एक सुर में कहा कि अंतर वेतन और घुसखोरी जैसे ज्वलंत मुद्दों के खिलाफ प्रदर्शनकारी शिक्षक महासंघ की रणनीति तैयार है और जल्द ही बृहद आंदोलन करेगा। सबसे पहले पदाधिकारियों को अल्टीमेटम दिया गया, इसके बाद भी वे नहीं माने तो शिक्षक आंदोलन को तैयार हैं। और खासकर मरवन बीओ को हिदायत दी गई कि कार्यशैली में सुधार करें, क्योंकि आपकी कार्यशैली से वहाँ के शिक्षक त्रस्त हैं, नहीं तो वहाँ भी आंदोलन करने को शिक्षक मजबूर होंगे।